अब देखो भाई, ऐसा है कि पैसे का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि ये अच्छे अच्छे खेल बिगाड़ देता है। अब होमबले फिल्म्स को ले लो ना, केजीएफ 2 के बाद से ही एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस बन के निकला है कि अच्छे अच्छों के खेल बिगड़ गए हैं। कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और तगड़ी परफॉर्मेंस वाली फिल्म केजीएफ को प्रोड्यूस करने वाला ये प्रोडक्शन हाउस अब अगले 5 साल में 3,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब 3,000 करोड़ में इतने जीरो होते हैं जिसको गिनने का भी अगर अलग मेहनताना दिया जाए तो आदमी लखपति बन जाए। 10,05,19,121 है। ये इतना पैसा है कि मेरे अगले 10 जन्म के लोन और ईएमआई की किश्तें निकल जाएंगी। ये इतना ज्यादा पैसा है कि अगर इतना मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए तो मैं भी युधिष्ठिर महाराज की तरह जमीन से 2 फीट ऊपर ही चलूं। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये इतना ज्यादा पैसा है कि इतने पैसे में मैं अपने सारे दोस्तों को अगले 100 साल तक बर्थडे की ट्रीट दे सकता हूँ अगर पापियों की उतनी उम्र हुई तो। ये सब दोगलापन है। वैसे सबसे ज्यादा उम्र होगी होमबले फिल्म के फाउंडर विजय किरंगंडूर जी की, जिनका ताजा इंटरव्यू हम लोगों को फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। तो अगर एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हम टेलीग्राम पे भी है, हमको वहाँ भी फॉलो कर लेना। तो बेंगलुरु बेस्ड इस कंपनी के फाउंडर विजय किरंगंडूर जी ने एक इंटरव्यू में ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसको सुनने के बाद हिंदी मूवी इंडस्ट्री के कान खड़े हो जाएंगे। वैसे भी पिछले कुछ सालों में साउथ की मूवी ने इंडियन मूवी इंडस्ट्री को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ना, उसने हिंदी इंडस्ट्री को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब इसी प्रोडक्शन कंपनी ने अपनी पहली तेलुगु मूवी सलार में केजीएफ से 3 गुना ज्यादा पैसे लगाए हैं। वहीं इसकी रिलीज डेट को दोबारा से फाइनलाइज करते हुए उन्होंने बताया कि ये इसी साल अपना वीएफएक्स वर्क खत्म करने के बाद 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। मजा आया। लेकिन इसके बाद से जूनियर एनटीआर के प्रोजेक्ट एनटीआर 31 में प्रशांत नील लग जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा टेक ये है कि इंडियन मूवी इंडस्ट्री एक बड़े चेंज को देखने वाला है। हॉलीवुड में फ्रेंचाइज का एक शेयर्ड यूनिवर्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी फ्रेंचाइज को ज्यादातर सिर्फ कैश ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। यहाँ तक कि गोलमाल जैसी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस भी अपनी कहानी को कंटिन्यूटी में नहीं रखती। ऐसे में यशराज के स्पाई वर्स का पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद उसका लोगो आना और अब होमबले का अगला 5 साल का मूवी चार्ट बताता है कि आने वाला टाइम बहुत बदला सा लग सकता है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इतना मजा आने वाला है भाई कि क्या बताऊं। लेकिन रॉकी भाई के फैंस के लिए क्या नई खबर है? अब देखो, इंडस्ट्री में शाहरुख सलमान आमिर के फैंस एक तरफ और रॉकी भाई के फैंस एक तरफ, इनकी अकड़ में भी एक अकड़ होती है। इनसे चाय का ग्लास भी मांगो तो चीनी से लेकर दूध तक का बिल हाथ में पकड़ा देंगे, ऊपर से एक मसालेदार डायलॉग अलग से माथे पर फेंक के मार देंगे। यार बनियाइन में 3 पीस सूट वाला एटीट्यूड है इनका। अब जब से केजीएफ 2 आई है उसने कन्नड़ इंडस्ट्री की इज्जत और बढ़ा दी है। ये पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म थी जिसने पहले दिन 100 करोड़ मार दिए। उसके बाद ये पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म बन गई जिसने 1,000 करोड़ का बिजनेस किया, पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म जिसने ओवरसीज में अपना दम दिखाया, और इसी दम पर इसके पार्ट 3 की भी कहानी को लिखने का प्लान बना। मगर इसकी शक्ल तुमको 2026 तक ही देखने को मिलेगी। क्या है कि 2025 में ये फिल्म फ्लोर पर उतर सकती है, यानी जल्दी से जल्दी भी ये 2026 में आपको देखने को मिलेगी, वो भी तब जब प्रशांत नील का मूड हुआ। अपने इंटरव्यू में विजय जी ने ये भी साफ कर दिया कि इसके साथ ही ये प्रोडक्शन हाउस हर तरह की कहानियों में पैसे लगाने को रेडी है। कांतारा उसी की एक एग्जांपल थी। सब मिलाकर होमबले फिल्म्स अपना पूरा पैसा लगाने को रेडी है जो आपने उसे कमा के दिया है। देखना यह है कि इस प्रोडक्शन हाउस के नीचे कितनी और ऐसी फिल्में आती हैं। इनका सक्सेस रेट सूर्या भाई की स्ट्राइक रेट के बराबर है। हालांकि उसी स्ट्राइक रेट से आप हमारे सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हो, टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे नाम से कई फ्रॉड लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपसे पैसे या फिर आईफोन या कोई भी ऐसे प्राइजेस जिताने की बातें करते हैं। वो फ्रॉड है, उनसे प्लीज बचे, उनको देखते ही रिपोर्ट करें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।